क्लास 10 मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी का योगफल। कल हमने सीखा था समांतर श्रेणी का एनवा पद याद करना और आज हम सरल सीख रहे हैं समांतर श्रेणी का योगफल याद करना। तो इसका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n / 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई d और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इस शॉर्ट में n / 2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट 1। अब वही सब का मतलब, a का मतलब प्रथम संख्या, n का मतलब उसी की तरह अंतिम संख्या, d का मतलब सार्वभौमिक जिसका सूत्र क्या होता है a2 - a1 है द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। हो गया, लेते हैं 18 यानी समांतर श्रेणी 2 4 6 डॉट डॉट 10 पदों का योगफल। उसमें होता था 10 पद याद करें और यहां पे 10 पदों का योगफल। तो योगफल का फार्मूला SN is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 bracket 1 multiply d। सबका मतलब, a का मतलब प्रथम संख्या कितनी है 2, n का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 10 और d का मतलब सार्वभौमिक द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2। अभी वैल्यू फॉर्मूला में क्या कर दो, पुट कर दो। तो पुट कर रहा हूं 10 / 2 bracket 2 मल्टीप्लाई a, कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट 1। बॉर्डर मार्क्स को अगर सब्सट्रैक्ट से सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 10 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 9, यानी क्या हो गया सॉल्व करो 2 का 4 9 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 10 / 2 ऐसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 9 पूछा 18, दोनों को ऐड कर देंगे 10 / 2 मल्टीप्लाई लगा दो 18 और 4 22, 2 से ही कट जाएगा 11 बार। क्या बच रहा है अपने पास, अब 10 × 11, 10 × 11 करने कितना आएगा 110 और ये क्या आएगा इसका आंसर। ओके डन।